आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी पर उनके विधायकों को तोड़ने के आरोप लगाए हैं। सोमवार को दिल्ली विधानसभा में करारी से आपके विधायक ऋतुराज ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने उन्हें 10 विधायकों को तोड़ने के बदले में मंत्री बनाने का ऑफर दिया है। कल दरियापुर में 9:15 बजे के आसपास जब मैं एक शादी अटेंड करने के लिए गया, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो लोगों को पहले से जानकारी थी कि मैं वहां पर जाने वाला हूं। 3-4 लोग मुझे एक तरफ ले गए, मुझे बैठाया और मुझसे कहा कि देखो, दिल्ली के अंदर अगर आप लोग नहीं मानोगे, हम आपको बार बार फोन पे कोशिश कर रहे हैं मनाने की, बताने की, अगर आप नहीं मानोगे कुछ नहीं मिलेगा, दिल्ली के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगाने वाले हैं, आप मान जाओ, आप अपने साथ 10 विधायकों को तोड़ करके ले आओ, सबको 25-25 करोड़ रुपया देंगे और आपको मंत्री पद देंगे जो सरकार बीजेपी बनाएगी, 25-25 करोड़ रुपया देंगे और मंत्री पद देंगे आपको, 10 विधायकों का टारगेट। आम आदमी पार्टी विधायक के दावे पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि आप नेताओं की ये पुरानी फितरत है, इससे पहले भी वो कई बार बीजेपी पर आरोप लगाते रहे हैं, अपने आरोपों को साबित करना तो दूर, वो ऐसे ऑफर देने वाले भाजपा नेताओं के नाम तक नहीं बता पाए। और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और माननीय मंत्री आतिशी जी ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने से मना कर दिया था। उसके बाद 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी थी, लेकिन एक में भी नाम उजागर नहीं करा गया। क्यों? क्योंकि झूठ बोल रहे हैं और कहते हैं ना, झूठ के पांव नहीं होते। अगर आप में दम है तो आइए पब्लिक में नाम उजागर करिए, लेकिन ना तो ये नाम उजागर करते हैं, ना ये जाकर इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करते हैं। इनकी एक पुरानी आदत है, अंग्रेजी में कहते हैं शूट एंड स्कूट, कुछ भी बोल दो, कुछ भी झूठ बोल दो और उसके बाद देखी जाएगी। लेकिन ये जनता जो है ना, ये पब्लिक है, ये सब। ये पहली बार नहीं है जब आप नेताओं ने भाजपा नेताओं पर अपने विधायकों को खरीदने या तोड़ने के आरोप लगाए हों। इससे पहले भी खुद केजरीवाल और उनकी सरकार में तेज तर्रार मंत्री आतिशी भी इस तरह के आरोप लगा चुकी हैं। हर बार आरोप तो जोर शोर से लगाए गए, लेकिन उन्हें साबित कोई नहीं कर पाया। शायद इसीलिए बीजेपी भी अब की बार इस मामले को ज्यादा तूल नहीं दे रही है। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर ऑपरेशन लोटस का जिक्र करते हुए भाजपा पर उसके विधायक तोड़ने का आरोप लगाया है। ये आरोप इस बार विधानसभा में एएपी के विधायक ऋतुराज की तरफ से लगाए गए हैं। ऋतुराज ने दावा किया है कि भाजपा के कुछ नेताओं ने उनसे फोन पर संपर्क किया और उसमें उनसे 10 विधायक तोड़ने के बदले में करोड़ों रुपए और मंत्री पद का ऑफर किया है। वहीं भाजपा ने एएपी के इन आरोपों पर कहा है कि वो आम आदमी पार्टी के इस तरह के आरोपों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की पुरानी फितरत रही है कि वो आरोप लगाकर निकल जाते हैं, लेकिन जब साबित करने का वक्त आता है तो फिर बचते हैं। कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ नगेंद्र भाटी, AMV नेटवर्क, दिल्ली।